रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कलेजी। आइए देखते हैं ये मज़ेदार सी कलेजी कैसे बनाई जाती है और इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। कढ़ाई रख लिए चूल्हे पे, घी शामिल करेंगे। पांच टेबल स्पून मैंने घी शामिल किया है। घी गर्म होता है तो प्याज शामिल करेंगे। घी गर्म हो गया है, एक मेरे पास मीडियम प्याज था, ये शामिल कर देते हैं। इसे भून लेंगे। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट और लेगा, प्याज हमारा भुन जाएगा। प्याज हमारा भुन गया। एक टमाटर है, ये शामिल करेंगे। एक टेबल स्पून लहसुन है मेरे पास, ये शामिल कर देंगे। और एक टेबल स्पून अदरक है, ये शामिल कर देंगे। इन्हें भून लेंगे। एक मिनट तक भूनने के बाद लहसुन अदरक को पानी शामिल कर देंगे। अभी मसाले भी शामिल करने हैं। पानी इसलिए शामिल किया है कि ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। एक टीस्पून नमक शामिल करेंगे। एक टीस्पून, 1.5 टीस्पून जो है लाल मिर्च है, ये शामिल की है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं शामिल कर रहा मैं। अच्छी तरह भून लेना इधर मसाले को। टमाटर अच्छी तरह गलने चाहिए। ये मेरे पास सूखा धनिया है, 1/2 टीस्पून है। इसको हाथ पे क्रश करके ये शामिल करेंगे। और ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक पीस लिया, ये शामिल कर देंगे। आधी प्याली पानी और शामिल किया ताकि मसाला हमारा जो है वो नीचे ना लगे। आग थोड़ी सी मैं स्लो कर रहा हूँ। 2 से 3 स्टिक्के मेरे पास दालचीनी की हैं और 3 लौंग हैं, ये शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून मेरे पास जीरा, 1 तेज़पत्ता, ये शामिल कर दिया। अच्छी तरह हिला दूंगा। घी ऊपर आना शुरू हो गया, मसाला हमारा थोड़ा सा तैयार हो गया। थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह मसाला एक जान हो जाए हमारा। एक नींबू है, ये शामिल कर देंगे। नींबू का जूस है एक। मसाला हमारा
रेडी हो गया है। कलेजी शामिल कर रहा हूँ मैं मुर्गी की, इसके अंदर इसे भी भून लेंगे हल्का सा। ये मैंने धो के रखी हुई थी, 1 किलो कलेजी है, इसकी रेसिपी मैं दे रहा हूँ आपको आज। मिक्स कर लेंगे और इधर भून लेंगे, आग में थोड़ी सी तेज़ कर दूँगी। 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक देंगे कलेजी को। ये बड़ा कलर आ गया ऊपर कलेजी के। अब इसके अंदर 1 से 1.5 कप मैं पानी के शामिल कर रहा हूँ ताकि हमारी जो कलेजी अच्छी तरह पक जाए। हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम अजवाइन है मेरे पास, ये शामिल कर देंगे। पंद्रह मिनट लगे हैं पानी डालने के बाद और ये 2 से 3 मिनट तक तैयार हो जाएगी। ये सूखा पुदीनी है, ये भी थोड़ा सा शामिल कर दूंगा मैं इसके अंदर। इससे एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 3 से 4 मिनट और लेंगे और ये बड़ा ही ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। हल्का सा मसाला गाढ़ा होता है तो हम इसे सर्व करेंगे। ढक दूंगा 3 से 4 मिनट के लिए मैं। कलेजी हमारी रेडी हो गई है, चूल्हा कर देते हैं जी बंद और 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो ऑयल है वो हमारा ऊपर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी ही मज़ेदार कलेजी हमारी रेडी हो गई है। अब इसका रह गया टेस्ट टेस्ट, तो हम कर लेते हैं। माशाल्लाह जी बड़ी ज़बरदस्त रेडी हुई है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।